हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और जैसा कि कल हमने एक सरप्राइज टेस्ट रखा था, उस सरप्राइज टेस्ट में मैंने आपको कहा था कि आपने अभी तक जो भी इस चैनल पर लर्न किया है, हमने जो 5 सीरीज कवर की हैं, इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, लूप्स, कलेक्शन लूप्स, एरेज की और फंक्शन की, हमारी जो अभी सीरीज चल रही है, राइट, उस पर ये 3 क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपसे मांगे थे। और इसका रिप्लाई मुझे आया है, मिस्टर आतिश हैं, उन्होंने ये मुझे फाइल भेजी है और मैंने उनका ये कोड चेक भी किया है, बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो थैंक यू सो मच आतिश जी इस असाइनमेंट को करने के लिए और हम सबसे शेयर करने के लिए। अब मैं आपकी जो ये क्रिएटिविटी है, जो आपने ये कोडिंग की है, सभी से शेयर करूंगा। तो जिन लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज पहले देख लें, ठीक है, हो सकता है आपने मिस कर दिया हो। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था, जो टोटल टेस्ट, ये 30 मिनट्स का टेस्ट था, इसमें 3 क्वेश्चंस थे, 10-10-10, 10 मार्क्स के। तो ये मैंने आपको एक पैटर्न दिया था और ये पूछा गया था आपसे कि कैसे बनेगा। तो इसका ये कोड पूरा जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, ये हमारे सब्सक्राइबर आतिश ने ही बनाया है, राइट, क्रेडिट गोज टू हिम, मुझे कोई इसमें क्रेडिट नहीं है। तो आइए जरा उनका टेस्ट जरा है देखते हैं एक बार। तो मैं मॉड्यूल में लेके जाता हूं आपको, और ये है उनका पहला कोड, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये कोड उन्होंने लिखा हुआ है और बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे ये कोड। उन्होंने बेसिकली 2 लूप यूज किए हैं। आपको याद है हमने लूप्स के अंदर लूप लिखा था गाइस, राइट, सब लूप्स पे कितनी प्रैक्टिस की थी, कितने मैंने कोड बताए थे, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 5-2, ये कॉलम आपका 5 है, राइट, आपको जाना है ऐसे। तो उन्होंने फटाफट से 5-14, क्योंकि ये आपका, अगर मैं इस कॉलम का फंक्शन चेक करूं, इसका नंबर चेक करूं, तो ये 14 होना चाहिए, राइट, बिल्कुल सही है। तो ये आपने क्या किया है कि कॉलम वाइज चले हैं आप कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन जब आप ई से एफ में जाएं, यानी कि जब आप 5th कॉलम से 6th कॉलम में जाएं, 6th से 7th में जाएं, 7th से 8th में जाएं, आप नीचे भी चलते जाएंगे। और नीचे कितने रोज चलना है इसमें, जब आप 5th कॉलम पे होंगे तो 10 रोज चलेंगे, फिर उसके बाद आप 9 चलेंगे, उसके बाद आप 8 चलेंगे, तो आपकी रोज जो है वो कम होती जा रही है, राइट, ये इसका प्लान था। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं, देखते हैं जरा कैसे ये कोड बना है। तो मैं इसको डिलीट करता हूं फटाफट से और इसको यहाँ पे देखते हैं। तो उन्होंने पहले 5-10 इसको रन कर दिया, राइट, मैं इसको ज्यादा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा गाइस, बिकॉज ये हम सब चीजें कर चुके हैं, ये टेस्ट है आपका। तो जहां जहां कुछ गड़बड़ अगर लगती है बताऊंगा और साथ साथ फटाफट आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, राइट। पर हाँ, एक चीज से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि ईमेल्स बहुत कम आए हैं, राइट, और मैं भी, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग बिजी रहे होंगे अपने वर्किंग में, बट हाँ कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पे कि आपने अपना स्कोर कितना इसमें अचीव किया था, राइट। सॉल्यूशन तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो 5-14 ये 5-10 चलेगा, और वही जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने क्या किया है कि 1-10 वो इसको चला रहे हैं। 1-10 का मतलब कि ये लूप 1-10 अब चलने जा रहा है। सब लूप पहले हमारा एग्जीक्यूट होता है, आप सबको मैं बता चुका हूं पहले भी। तो अब वो कह रहे हैं कि शीट 1 पे सेल्स मेरा जे और के चलेगा, राइट। तो ये जे आपका 1 है, ये जे आपका यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये आई वेरिएबल इन्होंने यूज किया है, और उसके बाद आपका के 5 चलेगा, राइट। तो के तो ऑलरेडी ऊपर से 5 वैल्यू लेके आ रहा है। आतिश जी, ये मुझे लगता है आपने शायद YouTube पे ही, मेरे चैनल पे ये लर्न किया है, बताइएगा जरूर, बिकॉज थोड़ा सा मेरा स्टाइल वाला कोड लग रहा है। अगर ये है तो वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हूँ कि चैनल से आप ये सब इतना गेन करके खुद बना पा रहे हैं, राइट, बट स्टिल हो सकता है आपने कहीं और से भी लर्न किया हो, तो शेयर जरूर कीजिएगा, कोड अच्छा लग रहा है मुझे ये। 1 और ये 5, तो फर्स्ट रो पे सबसे पहले और 5th कॉलम पे ये स्टार आपका प्रिंट होगा, राइट गाइस। अब नेक्स्ट जे में जाएंगे, अब नेक्स्ट जे आपका क्या हो गया है, जे अब हो चुका होगा, जैसे ही आप इसको रन करेंगे ये नेक्स्ट जे आपका ये अभी भी आपका 1 है, और मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं तो ये क्या दिखाएगा आपको, 2, ओके, सो जे आपका 2 हो जाएगा, बिकॉज आपका, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आप इस तरीके से इसको रन करते रहेंगे, और ये देखिए ये आपका रन हो रहा है, और फाइनली जब ये 10 टाइम्स आपका रन हो जाएगा, उसके बाद जब ये 10 टाइम्स रन हो गया, हम लूप से बाहर आ गए, राइट गाइस। उसके बाद बड़े लूप में जाने से अब हमें के को 6 पे लेके जाना है, राइट, बिकॉज अब आपका नेक्स्ट कॉलम एफ होगा, तो उसमें आप आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आई आप आई प्लस 1 कर रहे हैं, क्योंकि
आई जो है आपका, अगर आप देखें तो आई की जो वेरिएबल की जो ये आपने यहाँ पे वैल्यू 1 डिफाइन की थी, ये बेसिकली वैल्यू आपकी 1 प्लस 1 हो जाएगी। तो अब जो आपका आई है वो 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये 2 टू 10 चलेगा, राइट। तो 2 टू 10 चलेगा मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो ये रो नंबर है, जो जे आपका है वो 2 हो जाएगा, और ये जो आपका वैल्यू है ये आपका 6 है, राइट। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोग्राम चलेगा। तो 6th कॉलम पे हम अभी जो है बैठे हुए हैं, बिकॉज ये के आपका अब 6 है, फिर 7 होगा, 8 होगा, तो कॉलम भी चेंज हो गया, रो नंबर भी एक नीचे आ गया, कहने का मतलब। तो ये अब आपका पूरा 2 टू 10 चलेगा, खत्म। उसके बाद आपने आई को फिर बढ़ा दिया, अब आई हो गया आपका 3। बहुत अच्छा यूज किया है, वेरी नाइस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टेप। देख रहे हैं आप कितने प्यार से आई से हम 10 जब जा रहे हैं, तो आई एक्चुअल में एक एक करके शॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि बेसिकली आप अपने लूप को एक एक करके उसको श्रिंक करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, उसके स्टेप्स घटाते जा रहे हैं, राइट। बिकॉज इस लाइन में कहीं भी आई यूज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ लूप के लिए यूज किया जा रहा है। 3 to 10, 4 to 10, 5 to 10, 6 to 10, तो क्या और ऑटोमेटिकली लूप की रेपिटेशन कम होती जा रही है, राइट। तो इस तरीके से ये लूप पूरा चल रहा है गाइस, और मैं इसको F5 करता हूं, और ये आपके सामने रिजल्ट है। गुड जॉब, 10 out of 10। ऑलराइट, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये थोड़ा सा इसकी मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये मैंने आपको कुछ टिकट नंबर्स दिए थे, और मैंने कहा था आपको कि आपको टेक्स्ट और नंबर जो है इससे अलग करना है, राइट। जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, ओके। और कुछ चीजें हैं, जब आप किसी को ये फाइल भेजें, तो मेरे ओपिनियन में बटन्स कभी भी इतने बड़े नहीं बनाएं, थोड़ा सा उनका साइज कम रखें, राइट। थोड़ी स्पेस कम लेंगे तो थोड़ा सा एलिगेंट लगता है। तो आप इसको थोड़ा सा मैं इतना कर देता हूं, राइट, ओके। और रन की जगह आप इसका प्रोग्राम का नाम लिखें, मतलब कि क्या कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। ऑब्वियसली अभी तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बटन्स के ऊपर उनका नाम, मतलब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया देके रखें तो ज्यादा बेटर रहता है यार, ठीक है, ओके। सो ये है आपका, हमारे पास एक नया क्वेश्चन, हमने एक प्रोग्राम बनाना है, और इसमें से हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट और नंबर अलग अलग हो जाए, राइट। अब मैंने जो आपको टेस्ट दिया था उसमें आपको याद होगा पहले टेक्स्ट आ रहा था फिर नंबर आ रहा था, इसमें थोड़ा सा इन्होंने पहले नंबर भी कर दिया टेक्स्ट भी कर दिया है। तो ओवरऑल लॉजिक पे जाएंगे हम, कोई बात नहीं, इसमें कोई सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, तो कैसे इसको अलग करेंगे जरा इस पे बात करते हैं। देखिए जरा इन्होंने क्या किया है, तो ये है इनका दूसरा कोड, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसमें इज न्यूमेरिक का एक फंक्शन है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, बट ये वीबी में है, एक्सेल में है ये फंक्शन, तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और तो इसमें ये क्या प्लान कर रहे हैं, आइए जरा इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका इंडेंटिंग दे देता हूँ, और ये तो इस वीडियो के थ्रू आपको और भी फंक्शन मिलेंगे। मिड यूज कर रहे हैं ये, इज न्यूमेरिक कर रहे हैं, लेंथ फंक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ओके। सो आइए जरा कोड को रन करते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। और आप देख रहे हैं गाइस, लूप्स के अंदर लूप भी यूज हो रहा है। तो ये आपका एक फॉर नेक्स्ट लूप ये है, उसके बाद एक लूप ये है, और उसमें एक इफ कंडीशन यूज हो रही है, राइट। तो काफी मेहनत की है इस कोड पे। तो चलिए, और मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक ही लाइन में कर देता हूँ इनको, ताकि स्पेस थोड़ा बच। हाँ जी, तो आइए जरा इस कोड पे डिस्कशन करते हैं। वैसे मैं कुछ इस चीज कोड में करेक्शन करना चाहूंगा, करेक्शन तो नहीं कह सकता बट इम्प्रूवमेंट करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, मैं तो आपको एग्जांपल देते हुए आई बी ए बी सी कुछ भी लिख देता हूं, बट अब देखिए ये एस इक्वल्स टू एस प्लस एफ, आर इक्वल्स टू आर प्लस एफ, ये एक्चुअल में क्लियर नहीं है, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा नाम इसके अच्छे दें, ताकि देखने वाले को एक्चुअली रीडेबल हो। मैं जब इसको अंडरस्टैंड करूंगा तो मुझे एक एक करके लाइन देखनी पड़ेगी, मुझे आइडिया नहीं मिल पाएगा, राइट। तो बेटर होता कि आप ये एफ की जगह वो चीज करते जो एक्चुअल में यहाँ पे यूज हो रही है। बट एनीवेज चलिए इसको रन करते हैं पहले। ये कोड बिल्कुल सही चल रहा है, तो गाइस फटाफट से आप कोड को समझ लें क्या कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मिड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये इज न्यूमेरिक फंक्शन है, इज न्यूमेरिक सिर्फ ये चेक करता है कि क्या वो नंबर है या नहीं,
बस इतना ही इसमें काम है हमारा, राइट। और मेरे ख्याल से इस लाइन की हमें जरूरत है नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और कोड आपका चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। जो जो लाइन जरूरी नहीं मैं उसको नहीं लिखूंगा। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनका लॉजिक समझें, तो इसको ध्यान से समझेगा, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले प्लान ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे इतने सारे सेल्स हैं तो सबको कवर करना है, तो एक लूप, बड़ा लूप लिख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फॉर के इक्वल्स टू, इसको कितनी बार चलाना है, ये हमने चलाना है 5 times, ठीक है, क्योंकि 5 values हैं। तो वो सबसे पहले वेरिएबल्स पे आप बाद में नजर मारना, वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर का कोड इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले वाला आपका लूप है जिसमें वो ये कर रहे हैं कि ये वाला, सॉरी, फॉर आई इक्वल्स टू 2 2, और ये आपको पता ही है ये कोड क्या करेगा, राइट। ये भी एक तरीका होता है, जनरली मैं हमेशा आपको जब कोड बताता हूँ लास्ट रो फाइंड आउट करने का, हम क्या करते हैं कि रेंज A100 से A1000 से डॉट एंड एक्सेल अप कर देते हैं। बट ये भी एक तरीका है कि आप सेल्स लिख सकते हैं रोज डॉट काउंट और डॉट 1 डॉट एंड एक्सेल अप, तो क्या होगा कि आपकी रोज जो है वो टोटल काउंट होंगी सेल में, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो जब इसको आप यहां से रन करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका रोज काउंट है ये टोटल आपको 10,48,000 दे देगा, ठीक है, क्योंकि एक एक्सेल में इतनी रोज होती है। तो वहां से अब आप डॉट एंड एक्सेल अप कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। आप रेंज 10,000 भी लिख सकते हैं डॉट एंड एक्सेल अप, ठीक है। तो ये नई चीज है आपके लिए, राइट, तो ये एक आपके लिए अच्छी लर्निंग है, ठीक है, ओके। तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पे ये श्योर हो गया कि हमें 2 2 कितनी बार ये लूप चलाना है, ये जो भी आपकी लास्ट हो इससे निकल के आएगी ऑब्वियसली वो होगी 6, इसका मतलब बड़ा लूप 6 बार चलेगा। तो एक एक करके आप सब पे काम करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि इससे, अब मैं इससे पहले इस सेल में जाऊं, क्योंकि हमें इनको अलग करना है, तो इनको अलग करने का प्लान ये है कि आप इनको अलग अलग कर लें। अलग अलग मतलब पहले आप जैसे ये केजे 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 है, तो आप इसको यहाँ के लिख लें, उसके बाद जे लिख लें, फिर के लिख लें, फिर जे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू एल, फिर उसके बाद के, उसके बाद फिर 4 5, ठीक है, ऐसे एक एक करके, मतलब सारे सेल आपके अलग अलग होते जाएंगे, हम उन्हें एक एक करके तोड़ते जाएंगे, ठीक है। तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि भाई जब इनको अलग कर देंगे आप, ठीक है, जैसे हम स्प्लिट में काम करते थे, इसमें स्प्लिट नहीं यूज कर रहे हम, अगर हम, हाँ, ये स्प्लिट से भी हो सकता था, नो डाउट, हमने इनको अलग कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे VBA का फंक्शन लगाएंगे इज न्यूमेरिक, वैसे इज नंबर होता है एक्सेल में, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे इज न्यूमेरिक। VBA में भी इज नंबर फंक्शन है, बट इज नंबर नहीं लगाना, आपने इज न्यूमेरिक लगाना है, और हम ये चेक करते रहेंगे ये टेक्स्ट है या नहीं। अगर ये नंबर है अलग से स्टोर करेंगे, अगर ये टेक्स्ट है तो इसको अलग से स्टोर करेंगे, बस यही प्लान है। अब ये कैसे पता लगाया जाएगा कि आपको इसको अलग करना है और इसको अलग भी करना है और साथ साथ कितनी बार करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम इसमें कितने सेल हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, मिड फंक्शन स्टार्ट कर दिया VBA में यूज करना, ठीक है। मिड कैसे किया होगा, मिड ऐसे किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि पहले मिड आप इसमें जाएं और उसके बाद स्टार्ट नंबर 1 होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए 1, तो क्या होगा अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 ही कैरेक्टर चाहिए तो के आ जाएगा। उसके बाद अगले सेल पे गए, अभी एक्सेल में समझा रहा हूं लेकिन ये VBA में ऐसा किया गया है। इसके बाद हम जाएंगे A2 में, अब स्टार्ट नंबर क्या होगा, मिड में स्टार्ट नंबर मैं कहूंगा 2 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए 1, तो सेकंड से स्टार्ट होगा, 1 कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। उसके बाद यही मिड दोबारा लगेगा इसी टेक्स्ट में, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि स्टार्ट नंबर क्या होगा, स्टार्ट नंबर अब जो आपका होगा वो होगा 3 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे 1। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक मैं 6 पे नहीं पहुंचता हूं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपको 6 तक जाना है, ऑब्वियसली यहां पे लेंथ फंक्शन यूज कर लें, अगर आप लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 11। इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 11 जाऊंगा और मिड में जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये जो अभी तो मैं 1 1 लिख रहा था, जैसे इसमें मैंने 1 लिखा, उसके बाद मैं इस सेल में गया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 2 कर दिया, उसके बाद मैं यहां पे गया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 3 कर दिया। गाइस यही तो चीज है, यही आप यहां पे 11 को, जो आपने ये 11 दिया है, यही चीज उनका लूप कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 1 2 चलेगा कितना, 11, तो k क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उठा के उसको यहीं पे उसी के स्टार्टिंग पॉइंट में यूज कर लिया, क्योंकि अब स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा, बाकी सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमेशा 1 ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि हर एक को अलग अलग करना है, ठीक है, के जे के ऐसे एक एक सेल लेना है, तो 1 हमेशा रहेगा। और ये जो सेल है आपका ये वाला, ये रेंज ये आई आपका ऊपर से आ रहा है ये, क्योंकि आई 2 होगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है, ये जो एफ है ये क्या कर रहा है, ये एफ एक्चुअली आपका के निकाल के दे रहा है इस पूरे के पूरे सेल से, ठीक है, जिसमें आपकी अभी यहां पे ये वैल्यू पड़ी होगी के जे एल के 4 5 6 4 6। अब जब इसमें से ये वैल्यू पूरी निकलेगी, अब मैं इसको जैसे आपको दिखा भी देता हूं, सपोज इसको हम
फटाफट से वॉच विंडो में डाल के देख लेते हैं। मैं ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये आपकी यहाँ पे KKJJ वैल्यू होगी। अब मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि एक इस पूरे रेंज में से हम कह रहे हैं कि स्टार्ट नंबर वन हो और वन हो, तो ऑब्वियसली आपके पास पहला कैरेक्टर आ जाएगा। जब वो आपके पास K आ गया, आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर है या नहीं, तो इसके लिए आप इस न्यूमेरिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये नंबर नहीं है, आपको मालूम है, तो ये else में जाएगा। अब else में क्या हो रहा है, यहीं पे मैं कह रहा था कि वेरिएबल्स पे थोड़ा सा आप नाम इनको अच्छा देते तो और भी सही रहता। तो अभी इन्होंने एक R नाम का एक वेरिएंट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये वेरिएंट भी आपको मुझे लगता है नहीं करने की जरूरत है, आप इसको स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएंट का कोई यहाँ पे यूज नहीं है। और उसके बाद ये एफ जो है, जो गाइस ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है कि ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये के है और ये आपका एम टी है। ऑब्वियसली आप देखें इस पूरे कोड में आर कहीं भी यूज नहीं किया गया। तो मैं अगर आपने मेरे कोड फॉलो किए होंगे तो मैं वहां पे स्टोर यूज करता था हमेशा, इन्होंने आर कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लस साइन है, पर क्वेश्चन ये होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने आपको वेरिएबल चैप्टर में बताया कि जब आप कोई चीज एज अ स्ट्रिंग यूज करते हैं वो हमेशा ये प्लस जो है वो एंड की तरह यूज होता है, ठीक है। तो इस प्लस को आप एंड भी लिख सकते हैं, आई थिंक एंड से थोड़ा ज्यादा अच्छा इफेक्ट रहेगा, देखने में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप इसको एंड कर दें, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट के आया है उसको हम एक एम्प्टी वैल्यू के साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो फाइनली आपका जो आर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका K हो गया, ठीक है। तो K आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। अब आगे चलते हैं, लूप ने अभी आगे और जाना है, नेक्स्ट K पे जाएंगे। अब नेक्स्ट K पे देखिए क्या होगा, अब नेक्स्ट K पे आपका सेल तो वही रहेगा KJ, राइट, लेकिन आपका K अब चेंज हो गया क्योंकि K ने आपका 1 टू 11 जाना है, तो अब आपका K हो गया 2। तो अब आप मिड को बोलेंगे कि सेकेंड कैरेक्टर इसका मुझे निकाल के दे और कितने कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आगे जाना है, ओनली 1। तो क्या होगा, आपके पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो J आ जाएगा, ठीक है। आप F को यहाँ पे देखें, अगर नजर यहाँ पे बनाएं, ये J हो गया। क्या J न्यूमेरिक है, बिल्कुल नहीं है, आपको मालूम है। यहाँ पे वही चीज, पिछला जो आपका K है और ये वाला जो F है, ये आपका स्टोर होता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक कि आपका ये पूरा लूप जो है वो आपका 11 तक नहीं जाता है। तो आप इसको रन करते रहे, मैं यहाँ पे फटाफट से एक ब्रेक कोड डालता हूं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। और मैंने इसको रन किया और फाइनली अब आपका जो सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कोड डालता हूँ, F5 करता हूं। तो फाइनली अब आप जरा नजर मारें आर पे, आपने देखा ये KJ सारा कुछ इकट्ठा हो गया। और फाइनली फिर हम कह रहे हैं कि अब आप बी में जाएं और आई जो आपका ये वाला बड़ा लूप है सेकंड रो का, इसमें ये वैल्यू प्रिंट करते हैं, सो सिंपल, राइट। और सी में जाएं और सी में कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दें, एस की। एस पे भी हम गए होंगे जब ये लूप चल रहा होगा एक एक करके, तो एस ने अपना काम अलग से किया हुआ है, तो एस में ये एफ की वैल्यू जो है वो एस के साथ कंकैटिनेट हो रही होगी। तो एस और आर यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका एस जो है ये अलग से 4545 हो गया, क्योंकि समझने वाली बात है, आई होप आप इस कोड को समझ रहे होंगे। देखो क्या हो रहा है कि आप एक तो देन चला रहे हो, ये नंबर के लिए चला रहे हो और ये आप टेक्स्ट के लिए चला रहे हो। अगर नंबर इकट्ठे होते जा रहे हैं जैसे 4 5 6 4 6, तो वो आपके एस में एड होते जाएंगे, एस प्लस एफ में, ठीक है। इसको भी आप एड कर सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो प्लस साइन भी चल जाएगा, 10 out of 10 है इसमें, ठीक है। फाइनली जब ये सारा प्रिंट हो जाएगा तो अब नेक्स्ट रो पे जाना है, इसीलिए एस और आर आपके ब्लैंक करना जरूरी है। तो आर और एस आपके ब्लैंक हो गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट आई पे। नेक्स्ट आई क्या है गाइस, नेक्स्ट आई आपका है रो नंबर 2, जो पहले 2 था अब वो 3 हो चुका होगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब हम थर्ड रो को टारगेट करने जा रहे हैं, तो थर्ड रो को टारगेट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो रेंज ऑफ ए और आई है, यानी कि ये जो आई है A3, ये क्या बन गया अब आपका A3, 5 4 6 5 4 6 SG, राइट। तो यानी कि अब इसकी लेंथ कितनी है 11, तो ये दोबारा से 1 टू 11 चलेगा, एक एक करके सबको अलग करता जाएगा मिड फंक्शन से, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे और चेक करके साथ उसको स्टोर करते रहेंगे, बस ये पूरा आपका कोड है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से हटाता हूँ, F5 करता हूँ और ये आपका कोड है, ठीक है। तो आप ऑलराइट गाइस, सॉरी मुझे वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा, एक्चुअली बैटरी ऑफ हो गया था लैपटॉप का। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कोड है ये। ओके, उसके बाद जी हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। इस लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये कहा था कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं
और आपको आंसर चाहिए क्या कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं यहाँ पे आपको अपने आंसर से, ठीक है। तो मैंने देखा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इफ फंक्शन यूज किया है, हालांकि एरेज के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं और उसमें ये बहुत इजी हो जाता, आपको ये और लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट एनीवेज ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। और मैं एक और चीज आपके कोड में देख रहा हूँ, आपने वेरिएंट बहुत यूज किए हैं, वेरिएंट नहीं यूज करने हैं जब तक आपको ये श्योर ना हो कि डेटा टाइप कल को कुछ भी हो सकता है, राइट। इसमें तो आपको पता है क्लियर कट ये सारे स्ट्रिंग है, ठीक है, तो वेरिएंट आप यूज ना करें, ये आपका मेमोरी ज्यादा लेगा, हालांकि छोटा कोड है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको नहीं, सभी को बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ वेरिएबल्स का नाम भी थोड़ा प्रॉपर दें, क्योंकि ये एफ एम जो है ना ये आपको तो समझ आ जाएंगे बट अगले बंदे को समझ नहीं आएंगे, और वैसे भी आपको भी नहीं आएंगे अगर आप हफ्ते बाद अपना ही कोड देखोगे, ठीक है। तो और इंडेंटिंग का खास ख्याल रखें, है ना, इंडेंटिंग देना इस, देखो कोई भी चीज आप कर रहे हो ना उसको पैशनेटली करो तरीके से डिजाइन, ठीक है, जैसे कि आपका अपना खुद का कोई काम है, ठीक है, तो उस तरीके से आप ये कोडिंग में पूरा हर एक चीज का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ओके, सो इन्होंने वही कोड दोबारा यूज किया है, लूप चलाया है, 2-2 आपका ये लूप चलेगा जो मैंने आपको बताया, ये लास्ट वो चेक कर लेगा। सो ये आपने रन कर दिया, ये अब आपका पूरा कोड 2-2 आपका चलेगा 4। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने वही फंक्शन दोबारा लगाया, K12 इसकी लेंथ जो भी है, यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स हैं, 10 तक हम चले, और उसके बाद हमने मिड से n जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे आपके सामने n आ गया। अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि f क्या मेरे ये स्पेशल कैरेक्टर में है, वेरी नाइस। वेल मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं सोचा था शायद कोई एरे से करके देगा, बट ये भी अच्छा कोड है, आई लाइक दैट। इसमें इन्होंने देखिए सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे आपके की पैड में होते हैं वो डाल दिए हैं, और मुझे याद है किसी ने मुझसे पूछा भी था, मैंने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने 2-4 स्पेशल कैरेक्टर यूज किए थे, तो किसी ने कहा था कि सर मेरे पास तो फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स कवर कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, वेरी गुड, शाबाश। इसमें आपने सारे कैरेक्टर्स डाल दिए और ये एक एक करके एन ए जे जे इससे कंपेयर होगा और लगाया हुआ है, तो जहां भी कंपेयर होगा हम क्या कर देंगे, एफ को स्पेस कर देंगे, इस केस में नहीं करेंगे, इस केस में क्या होगा, एफ को हम स्टोर कर लेंगे, एम पहले से आपका एम टी है, ये मेरा, मैं इसको जनरली स्टोर लिखता हूं, और तो ये एफ आपकी वाली जो एम है, ऑब्वियसली ये एन, सॉरी ये एन इनमें से किसी में से नहीं है, तो ये एन आपका इस एम टी के साथ कंकैटिनेट हो जाएगा, प्लस या एंड जो भी आपने लिखना है, क्योंकि स्ट्रिंग में प्लस और कंकैटिनेट सेम होते हैं, मैंने आपको बता रखा है ये सब। ओके, सो ये सब पूरा कोड आप समझ गए होंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। अब दूसरा कैरेक्टर हमारा ए होगा यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके हम इसको क्या कहते स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके अलग करते जा रहे हैं और कंपेयर करते जा रहे हैं, तो जहां भी उसको स्पेशल कैरेक्टर मिलेगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा भी दिखाता हूं आपको, अभी आपका एफ है ए, तो ए के बाद एट द रेट आने वाला है, अब जब जैसे ही एट द रेट आएगा देखें जरा, तो अब आप देखें एट द रेट आ गया आपका, ठीक है, एट द रेट स्प्लिट हो गया, एट द रेट यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, अगर ये स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको आप क्या करेंगे, इस एफ को क्या करेंगे, इस एफ जो आपका ये एट द रेट है इसको आप हटा देंगे, मतलब इसको इक्वल टू स्पेस कर देंगे, ठीक है, स्पेस कर दिया, वेरी नाइस। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका हैश आएगा, हैश आप देख सकते हैं, हैश भी आपका यहाँ पे स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये एफ जो है अब सभी के लिए आपका स्पेस देता रहेगा, लास्ट में दो एल हैं, वो एल आपके ऑब्वियसली चेक होते रहेंगे और एल्स में आके कंकैटिनेट होते रहेंगे, जैसे भी आप देखें आपका एफ एल है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आके आपके पास पहले ही एम में पूरा स्ट्रिंग ज्वाइन हो रहा है, उसमें एक और एल ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। और फाइनली जब ये लूप पूरा चल जाएगा तो मैं इसको F5 करता हूं, आप यहाँ पे रेंज BI में जो भी आपका आई है उसमें ये M की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, वेरी नाइस, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विथ दिस कोड, सीरियसली। इसमें आप देख रहे हैं लूप के अंदर लूप चल रहा है, लेंथ फंक्शन यूज हो रहा है, मिड फंक्शन यूज हो रहा है, राइट, मिड भी मैंने आपको अभी कवर करवाया है, राइट, बस थोड़ा वेरिएंट यूज ना करें अननेसेसरली, ठीक है, जरूरत हो तो करें अदरवाइज ना करें। तो ये आपका फाइनली गाइज, अब नेक्स्ट आई पे जाएगा, नेक्स्ट आई आपका जो है, मतलब अब ये जो आई है ये आप 3 हो चुका है, अब हम इस सेल को टारगेट करेंगे। अब जब हम इस सेल को टारगेट करेंगे तो हम बता देंगे कि हमें 1-2 कहां तक जाना है, 10 तक, क्योंकि इसमें
10 वैल्यूज है, एक एक करके मिड फंक्शन से वो एक्सट्रैक्ट होती जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट नंबर अपने आप 1, 2, 3, 4 होता जाएगा क्योंकि k है, और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं वो आपको पता ही 1, 1। तो जब मैं इसको फाइनली रन करूंगा ये आपका कोड हो गया, ठीक है। प्लीज इस कोड को देखें, खुद प्रैक्टिस करें, ये ना हो कि आप में से कोई ये कहे कि एक्सेल फाइल भेज दी जाए। गाइस आप इसको खुद करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम एफर्ट्स। उसके बाद ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, दिस इज नॉट अबाउट VBA, दिस इज अबाउट योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। आप इसके बाद कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लर्न करेंगे जो कि मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। सारे प्रोग्रामिंग के एक ही कंसेप्ट जो है वो एक ही होता है, राइट। तो ये कंसेप्ट क्लियर, तो बाकी कंसेप्ट क्लियर। तो ये था आपका कोड, एंड थैंक यू सो मच इसके लिए माय डियर लवली सब्सक्राइबर, शानदार कोड आपने यूज किया, ठीक है। बस थोड़ा सा इंडेंटिंग और थोड़ा वेरिएंट वगैरह का हम ध्यान रखें, और वेरिएबल्स के नाम जो है वो थोड़े से रीजनेबल दें ताकि देखने में अच्छा हो। लेकिन यू हैव गॉट 10 out of 10, 30 out of 30, ओके, अगर आपने ये 30 मिनट्स में किया है। वैसे आपका ईमेल काफी जल्दी आ गया था मैंने देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिविजन गाइज, ठीक है। अगर किसी के पास ऐसा कोड हो जो वो एरे से ये करके दिखाए तो जरूर आइए शेयर कीजिए मुझसे, मैं फिर वापस पूरी आप सभी के साथ पूरे यहाँ पे हमारे 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं आज की डेट में, सबसे शेयर करेंगे और देखेंगे कि एरे के साथ भी कैसे होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आज आपसे फ्राइडे धमाका में शाम को, बाय बाय।